महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलं गुरु मूर्ति पूजा मूलं गुरु पदं मंत्र मूलं गुरुर्वाक्यं मोक्ष मूलं गुरु कृपा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दृष्टतमेन तस्मै श्री महर्षि गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु सरस्वती रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। देखिए बड़े हर्ष की बात है कि आपके ग्राम एरनी में बैरनी हमारे शिष्य पुष्पेंद्र शास्त्री की भागवत कथा चल रही है। शायद आज छठवा दिन है। इस फिरोजाबाद के आसपास यहां तक बात बनाने लगे हैं और कथावाचक के सब गुरु चेला ने फिरोजाबाद को दबा लिया है। अरे ये दीपू बाबू ने 100 रुपए की हारमाला सम्मानित किया। धन्यवाद। ऐसा हमारे विद्वानों का मत है कि जहां श्रीमद् भागवत की कथा चलती है, जहां तक आवाज जाती है, हवन की सुगंधी पहुंचती है, वहां तक सभी प्रेत आत्माएं नष्ट हो जाती हैं। तो अभी कथा का प्रसंग चल रहा था, हमारे शिष्य बता रहे थे आपको कि भगवान कृष्ण इस धरती पर प्रकट हुए। परीक्षित महाराज जी आप बने। अच्छा, भगवान कृष्ण प्रकट हुए, जन्म नहीं हुआ। और प्रकृति का यह नियम है कि जो जन्म लेता है वो मरता है। भगवान के जो 108 नाम हैं, उन 108 नाम में एक नाम है अजन्मा। अजन्मा जन्म होता ही नहीं, और जब जन्मेगा तो मरेगा। जब भगवान का जन्म ही नहीं होता तो देवकी के उदर में कौन आया था? देख लेना रामचरितमानस को पढ़ के। भरत जी का, लक्ष्मण जी का, शत्रुघ्न जी का जन्म बता रहे हैं, भगवान राम के लिए लिख रहे हैं, प्रकट हुए हैं। ऐसे राम प्रकट हुए थे, ऐसे ही भगवान कृष्ण प्रकट हुए थे। प्राकट्य शब्द लिखा है, जन्म लेना और प्रकट होना, ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। और सबसे बड़ी बात तो व्यस्तता यह है, इस समय चुनाव का दौर चल रहा है। हमारे शिष्य जा मामले तो फ्री दो हुए के बाजा मामले में कोई जरूरत ना है। तीन रिश्तेदार जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं। भागवत कहने वाले वक्ता की वो ही खुद जानता है कि उसे 12 बजे से 5 बजे तक मंच पर बोलना पड़ता है, फिर वे शाम को चुनाव भाई फोन करता नातेदार के हमारा प्रचार कब करो। पूरा दिन निकाल दिया रात के 1 बजे से लेके अब तक। लेकिन जो वक्ता होता है वो बोलने में कितनी एनर्जी खत्म होती है वो तो वो ही जानता है। तो श्रीमद् भागवत कथा भगवान कृष्ण का प्राकट हो चुका है, यहां चल रही है। तो सभी प्रेम से एक भगवान के नाम का कीर्तन बोलेंगे ताली बजाते हुए। और